प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले प्रकरण में हमने स्वर्ण कार नामक पार्ट पूर्ण कर लिया था। आज हम उसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। सो देखिए, पहला प्रश्न है एक पदे उत्तर। एक पदे उत्तर लिखत एक पदे उत्तर लिखत एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कैसा माता काम आदिशत माता काम आदिशत माता ने किसको आदेश दिया। अब यहां जो प्रश्न बना रहा है वो बना रहा है काम। यहां हमें ध्यान देना है, इस प्रश्न पे ध्यान देना है और यहां भी हमें ध्यान देना है एक पदे उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। एक पद में उत्तर देने के लिए जो शब्द प्रश्न बनाता है उसे देखते हैं। सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है प्रश्न बनाने वाले शब्द पे। जो प्रश्न बना रहा है उसमें हमें ये देखना है कि प्रथमा व्यक्ति आई हुई है, द्वितीय आई हुई है या तृतीय व्यक्ति आई हुई है, कि कौन सी व्यक्ति है। वो पुल्लिंग शब्द है या वो स्त्रीलिंग शब्द है या वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ पे जो काम आया है काम, वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो जो आपका आंसर होगा यानी आपका जो उत्तर होगा वो भी स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा। तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे माता माता पुत्री पुत्री आदिशत माता ने पुत्री को आदेश दिया। काम माने किसको? अब यहां पे जो हुआ है वो आया है पुत्री। पुत्री जो है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पुत्री स्त्रीलिंग शब्द, पुत्री स्त्रीलिंग शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। दूसरा प्रश्न देखते हैं स्वर्ण धागे स्वर्ण धागे कान एक आदत स्वर्ण धागे कान एक आदत सोने के कमरे ने किनको खाया। कान द्वितीय व्यक्ति यही इस पे जो प्रश्न बना रहा है वो है हमारा कान। अब कान को देखना है, कान जो शब्द है किम शब्द द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, किम शब्द द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी द्वितीय व्यक्ति किम शब्द द्वितीय व्यक्ति। तो जो हमारा आंसर होगा वो भी द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन होगा। वो भी क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन। तो यहां हम आंसर बनाएंगे तो देखेंगे स्वर्ण धागे स्वर्ण धागे दंडुलान एक आदत प्रश्न था सोने के कौवे ने किनको खाया या किसको खाया। उत्तर हो गया सोने के कौवे ने चांदो को खाया। एक आदत माने खाया,
पेंडुलम माने चावलों को। जो आंसर जो हमारा हुआ वो हुआ पेंडुलम। एक पदे मुद्र यानी जो आंसर आपको लिखना है वो लिखना है पेंडुलम। यदि आप पूर्ण वाक्य में आंसर दे देते हो तो जो आंसर है उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है टंडुलान। तो ये हो गया हमारा एक पद उत्तर, सिर्फ एक पद, ये मुख टंडुलान, ये हमारा आंसर है। मुख जो आंसर है वो क्या है टंडुलान। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रसाद है की रसे बटते बटते प्रसादे की रसे बटते। प्रसाद माने महल, की रसे माने कैसा, बटते माने है। की रसे विशेषण शब्द है, महल कैसा है, विशेष शब्द पूछ रहा है महल कैसा था या महल कैसा है। तो यहाँ पे की रसे कैसा विशेषण शब्द ये प्रश्न बना रहा है। उत्तर लिखेंगे इसका प्रसाद है स्वर्णमयम स्वर्ण में बढ़ते। महल सोने से बना हुआ है, स्वर्ण में सोने से बना हुआ, सोने से बना हुआ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ग्रहम आरक्त, ग्रहम आरक्त ग्रहम आरक्त तैयार का तैयार का समुद्र घाट का ग्रहम आगत तैयार का समुद्र घाट का घर आकर के उस कन्या के द्वारा क्या बोली गई का प्रश्न बनाया का ने। का प्रश्न किसने बनाया का ने। अब का को देखते हैं किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में आएगा और वो कैसा होना चाहिए स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो यहां आंसर लिखेंगे ग्रहम आगत ग्रहम आगत तया मंजूषा समुद्र घाटिका अब जो यहां पे आंसर था वो क्या हुआ मंजूषा। मंजूषा माने संदूक, मंजूषा माने संदूक। जो हमारा आंसर हुआ मंजूषा घर आकर के उस कन्या के द्वारा तैयार जो शब्द आया वो उस कन्या के लिए आया। घर आकर के उस कन्या के द्वारा संदूक को बोला गया, किसको बोला गया संदूक को बोला गया। मंजूषा माने संदूक, मंजूषा माने संदूक। अगला प्रश्न देखते हैं लोभाविष्टा बालिका बालिका ईदरसी ईदरसी मंजूषा
मंजूषा नेति लोभा दृष्टा बालिका कीदृशे मंजूषा नेति लोभी बालिका कैसी संदूक को ले जाती है। लोभी बालिका कैसी संदूक को ले जाती है यानी प्रश्न किसने बनाया कीदृशे कैसी संदूक को ले जाती है। विशेषण शब्द पूछ रहा है कैसी संदूक को ले जाती है तो यह आंसर लिखेंगे लोभा दृष्टा बालिका बेहद तमाम बेहद तमाम मंजूषा नेति देखें लोभी बालिका बृहद तमाम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बृहद तमाम बृहद तमाम बृहद तमाम लोभी दृष्टा बालिका बृहद तमाम मंजूषा नेति लोभी बालिका बड़ी मंजूषा मंजूषा माने संदूक बड़ी संदूक को ले जाती है बड़ी संदूक को ले जाती है। कीदृशीम द्वितीय व्यक्ति लगा दी यहाँ भी जो द्वितीय व्यक्ति में आंसर दिया वह तमाम बड़ी संदूक विशेषता बताई गई है कीदृशी कीदृश ये शब्द जब आते हैं तो वहां पे विशेषता यानी विशेषण शब्द लिखने पड़ते हैं तो यहाँ वह तमाम है बड़ी मंजूषा माने संदूक तो कैसी संदूक ले जाती है वो वह तमाम बड़ी संदूक ले जाती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न अगला संधि क्रोध अगला जो प्रश्न है वो है संधि क्रोध संधि संधि क्रोध संधि क्रोध संधि कीजिए पहला है नी धन एवं सर नी प्लस एवं सर। अब हमें संधि युक्त पद बनाना है इसका क्या बनाना है संधि युक्त पद बनाना है तो देखें आप ने ने में आ रही है ई की मात्रा ने में किसकी मात्रा आ रही है ई की मात्रा आ रही है। जब हमें संधि युक्त पद बनाना होता है तो जो धन का चिन्ह लगा हुआ है उसको हटा देते हैं उसके बाद में जो लिखा हुआ है उसको जैसा का जैसा लिखते हैं प्लस के चिन्ह को हटाएंगे उसके बाद में जो शब्द आता है उसको जैसा का जैसा लिखते हैं पहले वाले शब्द में जो मात्रा लगी हुई है उसको बोलते हैं तो ने ई ने ई एवं सर ठीक है। इसके बाद में देखो इको यंची सूत्र से ई के स्थान पर ये बनाएंगे ई के स्थान पर क्या बनाओगे ये ई के स्थान पर क्या बनेगा ये बनेगा ये ई के स्थान पर ये ई के स्थान पर हमें करना है ये क्या करना है ये स्थिति बन गई आपकी ने ये ए वसर
ने ये ए वसर। अब लिखेंगे इसको पूरा। देखो ने 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 के नीचे अंत लगा हुआ तो आधा ने बनाना है, ये में ए मिलाइए ये, उसके बाद में बे का बे, से का से, ते का ते, क्या बन गया निये वसर, क्या बना निये वसर, यो गया था निये वसर। निये वसर दूसरा उदाहरण देते हैं। उदाहरण नंबर दो,